दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अविजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। कृष्ण कहते हैं वह राक्षस है, वो निशाचर है, जो दंभ करता है। दंभ माने दिखावा, पाखंड, आडंबर है कुछ और दिखावा कुछ और कर रहा है। कृष्ण कहते हैं कि वह राक्षस है, निशाचर है। जैसे रावण साधु तो नहीं था, लेकिन साधु का भेष बनाकर सीता जी की कुटिया में चला जाता है, दिखावा हुआ। और कर्म इंद्रियाणि यह संयम यास्ते मनसा अस्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा सहोच्यते। जो कर्म इंद्रियों को बस में कर लेता है, लेकिन मन के अंदर धीरे धीरे सांसारिक विषयों का स्मरण करता रहता है, कृष्ण कहते हैं वो मिथ्याचारी पाखंडी होता है, पाखंडी होता है। दंभो दर्पो भी मानश्च। और जिसको घमंड है, पद का घमंड। ज्ञानी का पहला लक्षण बताया गया, अमानित्वम आदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जोम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। जो पूज्य है, श्रेष्ठ है, महान है, बड़ा है, लेकिन अपने बड़े होने का जिसको अभिमान नहीं है, निर्माण है, उसको ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी का लक्षण है, बड़े से बड़े पद पर बैठा है, लेकिन नम्रता है। और जब किसी को मिलना तो सबको हाथ जोड़कर प्रणाम कर देना। तुम्हें कोई हाथ जोड़े न जोड़े तुम टेंशन मत लेना फालतू, तुम अपना काम करो, वो जोड़े न जोड़े नमस्कार सबको कर दो। और नमस्कार में बहुत बड़ी शक्ति है। जिसको तुम नमस्कार करते हो उसका 10% बल आपको प्राप्त हो जाता है। यदि वो पहले नमस्कार कर लेता है तो तुम्हारा 10% बल उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए नमस्कार आप पहले करो। और नमस्कार भी जहां अहंकार है वहां नमस्कार नहीं रहता है, और जहां अहंकार का अंत है वहां नमस्कार का जन्म होता है। अहंकार नमस्कार करना नहीं चाहता है, अहंकार नमस्कार करवाना चाहता है कि सब लोग हमको नमस्कार करें और हम धमस्कार करें, थमस्कार खुद कर लो नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। एक सासु अपनी बहू को सुबह उठकर नमस्कार करती थी कि बहू रानी नमस्कार। तो बहू मुस्कुराती थी और फिर सासु की पैर छूती थी।
तो पड़ोसी ने देखा, एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीन दिन देखा, तो पूछा, सासू तू इनको नमस्कार क्यों करती है? तो उसने कहा, अगर मैं इसे नमस्कार न कहूँ मुंह से तो ये मेरी बहू इतनी अकड़ू है कि ये मेरे पैर भी नहीं छुएगी, इसलिए मैं ही शुरुआत कर देती हूँ तो ये झुक जाती है। नमस्कार अहंकार को विदा करता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, आरती जब हो रही हो हाथ जोड़ना मुश्किल होता सभी को, कुछ लोग ऐसे जोड़ते हैं, ये राइट कंडीशन है, कुछ लोग ऐसे जोड़ते हैं, कुछ ऐसे जोड़ते हैं, कुछ ऐसे जोड़ते हैं, कुछ यूं फंसा के खड़े होते हैं, और कुछ थोड़ा ज्यादा चतुर है खिलाड़ी तो फिर दूसरे हाथ पकड़ के खड़े होते हैं। क्योंकि अंदर से अहंकार चोट खा रहा है, क्योंकि जब तुम हाथ जोड़ते हो ना, अंदर थोड़ा धक 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 होता है। और झुकना प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है, नमन करना कुछ पाने की पहली सीढ़ी है, और झुकना सबसे पहले मां को झुक जाओ, फिर अपने बाप को झुक जाओ, चाचा को झुक जाओ, बड़े भाई को झुक जाओ, जेठानी को झुक जाओ, सास ससुर को झुक जाओ। घर में ही झुकना सीखो तो घर से ही उठना शुरू हो जाएगा। जो जितना ज्यादा झुक जाता है उतना ज्यादा ऊपर उठ जाता है। झुककर तो देखना, और अहंकार जब मर जाता है ना तो सबसे बड़ा एक फायदा ये होता है, टकराव खत्म हो जाता है। जिनके तुम पैर छूओगे, जिनको नमन करोगे, जिनको झुकोगे, जिनके माथा टेकोगे, अब उनसे टकराने की बात खत्म हो रही है, क्योंकि अब अहंकार बच नहीं रहा है। और अहंकार जहां नहीं है तो वहां कौन टकराएगा? अहंकार ही लड़ाता है। दंभो दर्पो भी मानस च, कृष्ण कहते हैं दर्प माने घमंड। जवानी मिले लेकिन जवानी का घमंड ना मिले। और इस दुनिया में जितनी चीजें मिलती हैं सब रिटर्न होती है, वापस होती है। जवानी मिली ये चली जाएगी, बुद्धि मिली ये भी चली जाएगी, जीते दी तुम जिंदा रहोगे जाएगी। तुम कहते हो पूरी इंग्लिश याद है, केमिस्ट्री की फार्मूले याद हैं, और 80 साल की उम्र में तुम कहते हो कि अपने बच्चों के नाम भी नहीं याद है, ये बुद्धि कहाँ चली गई? ये प्रकृति की ओर से वरदान मिलता है, और ये सब चीजें एक सुनिश्चित टाइम तक आपके पास रहती है, जवानी भी, बुद्धि भी, स्मरण शक्ति भी, ताकत भी, बल भी, कलाकारी भी। लेकिन एक उम्र ऐसी आती है ये सारी चीजें वापस होने लग जाती है। इसलिए ये चीजें अगर मिली हैं तो इनका सदुपयोग कीजिए, तो जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे, जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे।